दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल स्टडी टॉक विद आशिमा में। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर आशिमा नेगी। दोस्तों यूजीसी के नेट एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी मेंस के लिए और उसमें आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट यूज किया है, इस्तेमाल किया है मैनेजमेंट, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मेरे वीडियो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, जहां मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ढेर सारी बातें मैनेजमेंट सब्जेक्ट को लेके। फिलहाल हमारा डिस्कशन चल रहा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें आज मैं अपना डिस्कशन आपके साथ में फैसिलिटी लेआउट पे करने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे फैसिलिटी लोकेशन को चुना जाता है और आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज एंड बाकी सारे डिजाइनिंग की टेक्निक्स एंड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ में जो बेल का नोटिफिकेशन है उसे दबाना ना भूलिए, सो दैट टाइम टू टाइम आपको मेरे हर नए वीडियो लेक्चर लाइव स्ट्रीमिंग की खबर मिलती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे। और अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप ये सारे कोर्सेज मेरे जो द्वारा हैं प्रेजेंट किए गए, ये सारे के सारे कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी। वहाँ डेली पढ़ाती हूँ लाइव, और इन लाइव कोर्सेज में यूजीसी की प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट की और साथ ही साथ पेपर वन की भी मेरे साथ कर सकते हैं। और उसके लिए मैं अपना एजुकेटर कोड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट आपकी यूजीसी की प्रिपरेशन में। चलिए कोड लिख लीजिए और भूलिएगा नहीं, आशी10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन लाइव क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे वो सारे रीजंस जिसके पीछे एक फैसिलिटी लेआउट जो है किया जाता है। बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर का, जिसकी वजह से वो अपनी फैसिलिटी को लेआउट करते हैं। लेआउट के रीजंस क्या हैं, उनके किन किन फैक्टर्स की वजह से ये लेआउट इफेक्ट होता है, जब इनिशियली हम इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के लेआउट प्रिपेयर करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि फैसिलिटी का जो लेआउट तैयार हुआ है क्या उसका ब्लूप्रिंट बनता है, और अगर ब्लूप्रिंट बनता है तो किन टेक्निक्स के इस्तेमाल से, और जब अगर ये टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है, फैक्टर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो मार्केट में ओवर द टाइम पीरियड कितने तरह के टाइप्स के फैसिलिटी लेआउट देखे गए हैं, क्या इन्हीं जो टाइप्स हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करके या दो को मिक्स करके अभी एग्जिस्टिंग, अगर जो भी आज की डेट में प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में मैनेजर्स हैं, क्या वो किसी एग्जिस्टिंग टाइप का इस्तेमाल करके अपनी फैक्ट्री को प्लान आउट कर सकते हैं फैसिलिटी को, तो वो भी हम इस बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हर एक टाइप ऑफ फैसिलिटी लेआउट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन टॉपिक। अब अगर मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी को प्लान करना है, यानी कि मैंने गिवन लोकेशंस में से अहमदाबाद, गुजरात में सूरत, उसके बाद बॉम्बे ले लिया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में नासिक, इन सब में से एक जगह पे आइडेंटिफाई कर लिया है कि मुझे नासिक के अंदर खोलना है अपना प्लांट, तो नासिक मेरी आइडेंटिफाइड लोकेशन है, ये बन जाती है मेरी लोकेशन। लेकिन अभी इसी लोकेशन में एक पर्टिकुलर जो प्लॉट मैंने फाइनलाइज किया है वहां के अंदर की सेटिंग को मुझे जो है अभी प्लांट शुरू करने से पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यानी कि हर चीज का जगह जो है आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं फैसिलिटी लेआउट। अब अगर ध्यान से समझूं तो मेरी जो स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल में एक पेन स्टैंड है जहां पे पेन्स एंड पेंसिल्स पड़े हुए हैं, मार्कर पड़ा हुआ है, एक जगह पे लैपटॉप पड़ा हुआ है, एक जगह पे बुक्स पूरी सेट होके पड़ी हैं, और वहां पे एक पर्टिकुलर बॉक्स बना रखा है जिसमें लूज स्टेशनरी आइटम्स जैसे कि रबर है, कंपस है, स्केल है, ये सब रख रखा है, रीफिल्स रख रखी हैं। तो ये मैंने क्या किया, बेसिकली हर एक जगह को ऑर्गेनाइज कर दिया, अपने एक छोटे से स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करके रख दिया। ऐसे ही हर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी फैसिलिटी को ऑर्गेनाइज करती है जिसके लिए उसे लेआउट प्रिपेयर करना पड़ता है, सो दैट उसकी छोटी सी जगह ही क्यों ना हो, चाहे ये मेरा छोटा सा स्टडी टेबल ही क्यों ना हो, इस छोटे से स्टडी टेबल के ऊपर अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ा होगा, भले फिर वो मेरे पेन पेंसिल हैं, ठीक है, भले ही वो फिर मेरे पड़ा हुआ एक लैपटॉप ही क्यों ना हो, अगर ये ठीक तरीके से पड़ा होगा तो मुझे काम करने में आसानी तो होगी, साथ ही साथ में मुझे हेल्प ये रह जाएगी कि आगे चल के अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और कोई चीज ऐड करनी पड़े, जैसे कि मुझे एक कॉफी का मग जो है वो रखना पड़े, क्योंकि मैं बहुत टाइम काम करती हूँ तो एक कॉफी का मग जो है मुझे रखना पड़ रहा है, उस मग के लिए जगह नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वो लैपटॉप के यहाँ पे साथ में रख दिया तो ऑब्वियसली
कॉफी जो है लैपटॉप के ऊपर गिर सकती है, वो चीज मुझे टोटली अवॉइड करनी है। एंड इसीलिए मुझे पहले से ही हर चीज के लिए एक ऑप्टिमैलिटी का सिचुएशन क्रिएट करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है और ये हर एक फैसिलिटी मैनेजर की जिम्मेवारी है कि सो दैट वो स्पेस का करेक्ट यूटिलाइजेशन कर सकें एंड उसके बाद वो इस बात का ध्यान रख सकें कि आगे चल के जब काम बढ़ेगा तो उनके पास खाली जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि काम बढ़ रहा है और आपके पास चीज को रखने की जगह नहीं है, मशीन रखने की जगह नहीं है, तो आप नया फैसिलिटी ढूंढने निकल जाएं, ये सिचुएशन तो बिल्कुल भी वाजिब नहीं रहेगी। हम एक ही जगह से अगर मैक्स टू मैक्स रिटर्न्स जनरेट कर सकें तो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अपनी स्पेस का कर रहे होते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि हमें प्रोडक्शन ही सिर्फ नहीं सोचनी, हमें रिडक्शन भी सोचनी है मूवमेंट की। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये कॉफी का मग मैंने एक और टेबल पे रख दिया, ठीक है, और मैं कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठी हुई हूँ काम करते हुए, और ये लैपटॉप के बीच की जो दूरी है ये करीबन आप ले सकते हैं 500 मीटर्स की है, मतलब कि मेरा कमरा इतना बड़ा है, 1000 मीटर्स के करीब कमरा है और मैं बैठी कहीं और हूँ यहाँ पे अपनी टेबल चेयर लगा के, और यहाँ पर मेरा जो कप है वो उठाने के लिए मुझे 500 मीटर चल के जाना पड़ता है, तो ये जो सिचुएशन होगी मेरी मूवमेंट पे बहुत ज्यादा हैम्पर करेगी और मेरा उससे टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। एक छोटा सा कॉफी का मग ही तो उठाना है, उसके लिए मुझे इतनी रूम को पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा, 500 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर मशीनरी है, लेट्स से मशीनरी ए है, इस मशीनरी से बाद रॉ मटेरियल आपका निकल के जाना है मशीनरी बी में, लेकिन मशीनरी बी तक जाने के लिए हमारा स्ट्रेट रास्ता नहीं, थोड़ा सा जिगजैग है, यहाँ पे स्टोर्स डिपार्टमेंट है और सी डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद आपका फिर यहाँ पे बी में हम थोड़ा सा जिगजैग करके जा रहे हैं, तो क्या हुआ, हमने लोकेशन की वेस्टेज की और मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ठीक है, यहीं पर अगर हम सीधा सीधा इनको प्लान आउट कर लेते या इनके डिस्टेंस को इफेक्टिव बना लेते तो क्या होता, हमारा टाइम तो बचता ही बचता, साथ में हैंडलिंग भी बच जाती, बट वो नहीं हो पाया। और वो करने के लिए ही हमें ऑप्टिमैलिटी सिचुएशन सोचनी पड़ती है। जब हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद रिडक्शन तो हमारी होती है मूवमेंट में, साथ में हमारा जो टाइम है वो सेव होता है। जब मैं आपको आगे चल के प्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तो मतलब प्रोडक्शन के और चैप्टर्स हम करेंगे और टॉपिक्स कवर करेंगे, तो इसमें हम करेंगे टाइम एंड मोशन स्टडी को, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो ये बेसिकली कैसे इफेक्टिव होते हैं जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चला चुके होते हैं। बेसिकली टाइम मोशन स्टडी को अगर वन लाइन में डिफाइन करूं तो आप कैसे टाइम को सेव कर सकते हैं, मोशन अपनी कम से कम करके भी गुड्स जो है जनरेट कर सकते हैं रॉ मटेरियल से, इसके ऊपर ये इफेक्टिव स्टडी होती है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम प्रोडक्शन का ऑर्डर जो है इस फैसिलिटी लेआउट के ब्लूप्रिंट में तैयार कर रहे होते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट होगी, मशीन ए टू बी होगी मूवमेंट या फिर प्रोडक्शन ए से शुरू होगी, सी स्टोर से होते हुए फिर बी में जाना पड़ेगा, हम उसका ब्लूप्रिंट जो है तैयार करते हैं। सो दैट आगे चल के सुपरवाइजर्स को मेंटेन करने में, वर्कर्स का काम रेगुलेट करने में बहुत ईजी रहेगा। और इससे क्या होगा, अगर इन केस मेरे प्लांट में कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो कि हजार्डियस इन नेचर है या फिर मशीनरीज हैं जो कि हजार्डियस इन नेचर है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पार्ले जी के बिस्किट्स बना रही हूं मैं, ठीक है, लेकिन मशीनरीज तो बहुत हैवी हैं, हजार्डियस है, कन्वेयर बेल्ट उसमें चल रही है एक मशीन से दूसरी मशीन को कनेक्ट करने की, तो उस टाइम पे दिक्कत ये आ जाएगी कि सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखना है। और जितना ज्यादा इलैबोरेट आप बनाएंगे ब्लूप्रिंट फैसिलिटी का, उतना ही मैनेजमेंट आपको ज्यादा करना पड़ेगा, सेफ्टी का उतना ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि सेफ्टी का ध्यान रखना हर बार अच्छा होता है, 100 नहीं 101% सेफ्टी का ध्यान रखिए, बट द प्रॉब्लम कम्स इज जब आपने अपना काम खुद ही पेचीदा कर दिया है तो सेफ्टी का ध्यान अब आपको 1000 टाइम्स ज्यादा रखना पड़ेगा। अब एक बच्चों को यहाँ चीज दिख रही होगी, चेंज इन लेआउट, इसका क्या मतलब है? वेल बेसिकली जो मैं ब्लूप्रिंट ग्रेजुअली तैयार कर रही हूँ अपना फैसिलिटी लोकेशन का, इसका मेन ओरिएंटेशन है सिर्फ एक लेआउट तैयार करना नहीं सुपरवाइजर को गाइड करने के लिए, बल्कि ये देखना कि ऑप्टिमम रहे हर चीज। लेबर ऑप्टिमम बेसिकली मुझे 3 M's करने हैं, मेरे मैन यानी कि लेबर, मेरी मशीनरी और मेरा मटेरियल, इन तीनों की ऑप्टिमैलिटी को मैं इस ब्लूप्रिंट में डालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर प्रोडक्शन आगे चल के बढ़ती है तो उसी लेआउट में, उसी प्लांट में मैं और प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकूँ, उसके लिए मुझे चेंजेस जो है इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं पहले ही इनिशियली स्टार्ट ऑफ द फैसिलिटी ओपन माइंड से अपना ये ब्लूप्रिंट तैयार करती हूँ तो चेंजेस फ्यूचर के इनकॉर्पोरेट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी आगे बढ़ानी होती है तो चेंज मेरे लिए इजी हो जाता है। और वो चेंज हमेशा सेफ्टी को देख के ध्यान में
करना ही बेटर रहता है, यानी कि आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, बट डजंट मीन कि आप 12 घंटे की बजाय अब 20 घंटे की शिफ्ट चलाएंगे। एक लेबर जो इतनी ऑलरेडी वॉर्न आउट है उससे आप सारा काम करवाएंगे, और उस सिचुएशन में आपकी सेफ्टी तो जितनी मर्जी आपने इक्विपमेंट्स में कर ली हो, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय को फटीग हो गया, आपके वर्कर को कोई थोड़ी सी दिक्कत हो गई या उसको पसीना भी गिर गया, तो उस सिचुएशन में आपकी सेफ्टी खत्म हो जाती है, बिकॉज वहां पर आपने प्रोडक्शन की ब्लू प्रिंट ठीक से तैयार नहीं किया था। तो कंफर्टेबल वर्क एनवायरमेंट एंड सेफेस्ट वर्क एनवायरमेंट शुड बी द ऑब्जेक्टिव जब आप चेंज के बारे में भी सोच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं अब कि किस तरीके से स्टेप वाइज हम ये सारा ब्लूप्रिंट इनकॉर्पोरेट करें विद सेफ्टी, विद चेंजेस फॉर द फ्यूचर, विद ऑप्टिमैलिटी, सो दैट हमारे 3 M's जो हैं सिक्योर्ड रहें। यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स तो नजर आ रहे हैं, स्टेप 1, 2, 3 एंड 4, लेकिन इन स्टेप्स के पीछे का मेन ओरिएंटेशन ये है कि मुझे हर हालत में एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनानी है जो कि इफेक्टिव है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इफेक्टिव के साथ ही साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए एफिशिएंट है, और एफिशिएंट होने के साथ ही साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे स्पेशल अटेंशन के अंतर्गत तैयार की गई मेरी एक ब्लूप्रिंट होनी चाहिए। तो यानी कि स्पेशल अटेंशन देते हुए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर की जाती है पूरी, उसका पेपर वर्क, उसका ब्लूप्रिंट, उसका सारा का सारा फ्लो, वर्क फ्लो तैयार किया जाता है, तो वो स्पेशल अटेंशन गिवन मेरी हर फैसिलिटी लेआउट बहुत अच्छी तरीके से, उम्दा तरीके से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ही बनेगी। उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ये स्टेप्स ऑल इंक्लूसिव नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, यानी कि इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ा सा इसे बढ़ा सकती हैं, घटा भी सकती हैं। आइए एक एक करके सारे स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। बात करें अगर बेटर ट्रेनिंग की, तो कोई बच्चा सोचेगा कि मैम बेटर ट्रेनिंग को कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ब्लूप्रिंट में फैसिलिटी की। तो देखिए, अगर हम वर्कर्स की, सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग जो कि ज्यादातर ऑन द जॉब देखी जाती है या फिर जॉब शुरू करने से पहले देखी जाती है, जब आप पहले उसको ट्रेन करते हैं और फिर ट्रेन करने के बाद उसकी स्किल सेट एनहांस करने के बाद में आप उसे जॉब पर डालते हैं, और ऑन द जॉब यानी कि साथ के साथ काम करते जाओ और दूसरों को देखते जाओ कि काम कैसे होता है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस जो मार्केट में ज्यादा चलती हैं, जो ज्यादातर कंपनीज डिप्लॉय करती हैं ऑप्शंस को, उनका मेन पर्पस ये होता है कि हमें हर हालत में सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने हैं, हमें सेफ एनवायरमेंट रखनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें अपने वर्कर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज वर्कर्स आर एसेट टू आर कंपनी। तभी तो ह्यूमन रिसोर्स में, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, उसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, यानी कि आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितना उनसे आउटपुट आया है, आप कितना ध्यान रखते हैं अपने वर्कर्स का, तो उस सिचुएशन के लिए मुझे ये ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड करनी एक तरह से अनिवार्य ही बन जाती है। अगर मैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ हेल्थ हजार्ड और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में, तो मेरे जो वर्कर्स हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के ध्यान में ये आ रहा होगा कि मैम चलो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो बता दिए उन्हें वेल इन्फॉर्म करने के लिए, बट हेल्थ हजार्ड्स का क्या मतलब है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक फैक्ट्री है सिवाकासी में, सिवाकासी आपको पता है फेमस है फायर क्रैकर्स के लिए, सिवाकासी में मेरी फैक्ट्री है और वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पता है कि मुझे बहुत सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, जस्ट बिकॉज मैं एक्सप्लोजिव में डील कर रही हूँ, मेरी फैक्ट्री एक्सप्लोजिव में लाइसेंस लेने के बाद पटाखे बना रही है, बट हेल्थ हजार्ड अगर मैंने एम्प्लॉयज को नहीं बताया और कल को जाके उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए, या फिर उन्हें कोई एलर्जी थी जिस वजह से उनकी ये पर्टिकुलर बॉडी की कंडीशन, फिजिकल जो लिमिटेशन थी उनकी बढ़ गई जस्ट बिकॉज वो एक केमिकल को हैंडल कर रहे थे जो जिसको वो एलर्जिक थे जिसकी तरफ, तो उस सिचुएशन में मेरा एम्प्लॉई वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ट्रेन करने का, उनकी स्किल एनहांस करके उन्हें एसेट समझने का, वो टोटली खराब हो जाएगा। तो हेल्थ हजार्ड्स वर्क रिलेटेड जो भी है उन्हें अवेयर करवाइए, सो दैट ट्रांसपेरेंसी रहे कंपनी के बीच में और एम्प्लॉईज के बीच में। उससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पहले तो हम ब्लूप्रिंट की बात कर रहे थे, फैसिलिटी की ऑप्टिमम यूज की बात कर रहे थे, अब हम अपने मैन पावर की बात कर रहे हैं ऑप्टिम करने के लिए उसे, और आगे चल के इक्विपमेंट मशीनरी को भी हम ऑप्टिमाइज कर बैठेंगे, और जब ये पॉसिबल होगा तभी तो हमारी जो वर्कफोर्स होगी वो एम्पावर्ड होगी। नहीं तो क्या होगा, हर बार वर्कफोर्स जो है दुखी होगी, काम थोड़ा बहुत करेगी थोड़ी दुखी होगी, थोड़ा ट्रेड यूनियंस जो है या तो उनका बेनिफिट उठाएंगी या फिर कोई थर्ड पार्टी
पार्टीज उनका बेनिफिट उठा के ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करेगी। तो वो चीज ना हो, पहले से आप ट्रांसपेरेंसी अपने एम्प्लॉयज के साथ रखिए, उन्हें एम्पावर कीजिए कि उन्हें समझाइए कि वो अच्छा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वर्कर्स का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी आगे बढ़े। और इससे क्या होगा, द मोमेंट आपने ये ऑप्टिमैलिटी एम्प्लॉयज को लेके, वर्कर्स को लेके बढ़ाई, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लोड कम हो जाएगा बिकॉज वहां पे हर बंदा मोटिवेटेड है काम अच्छे से करने के लिए। और आपके सुपरवाइजरी कंट्रोल अब आप थोड़ा सा कम करके सुपरवाइजर से बाकी सारे कामों पे भी फोकस करवा सकते हैं, जैसे कि जॉब रोटेशंस की लिस्टिंग प्रिपेयर करना, कौन से एम्प्लॉय से किस टाइम काम करवाना है, किस एम्प्लॉय को किस टर्म छुट्टी पे भेजना है, ये सब एक्टिविटीज भी आप शामिल करवा सकते हैं सुपरवाइजर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे फैक्टर्स की तरफ नजर मारते हैं जो फैक्टर्स हमारी फैसिलिटी लेआउट की प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि हम जो तैयार कर रहे थे ब्लूप्रिंट, मशीनरी को कहाँ पोजीशन करना है, क्या रहेगी मोशन एम्प्लॉयज को रॉ मटेरियल हैंडल करते वक्त, क्या रहेगा उनका टाइम जब वो एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर पाएंगे मशीन्स के इस्तेमाल से फिनिश गुड्स में, इन सब का जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था मेरी फैसिलिटी के अंतर्गत, उस पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये फैसिलिटी ब्लूप्रिंट शायद अच्छे से तैयार ना हो, शायद बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखिए, जब भी मैं एक इफेक्टिव फैसिलिटी लेआउट बनाती हूँ तो मुझे हर वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जब कंपनी चालू हो, अपने ऑपरेशन शुरू करे, तो स्मूथ कंडक्ट रहे, फ्लो जो है कंपनी में प्रोडक्शन का, मटेरियल यूज का, इक्विपमेंट का, मैन पावर का, वो स्मूथ रहे, प्लस मेरी मिनिमम कॉस्ट पे ये काम जो है अचीव हो सके। और अगर ये बात हो जाती है अचीव, तो दोनों ही सिचुएशंस रिजल्ट करती हैं मेरे कंपनी की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ही बेस्ट उम्दा तरीके से हैंडल हो रही है। तो बेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी को मुझे अगर कंडक्ट करना है मेरे प्लांट के अंदर, जरूरी है मुझे प्लान आउट करना मेरे फैसिलिटी लेआउट को, एंड दो बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर, स्मूथ फ्लो एंड इसके अलावा जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो स्टेडी मिनिमम कॉस्ट पे रहे। उसके लिए स्पेस का मुझे बेस्ट यूटिलाइजेशन देखना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट भी हो, और सेफ्टी स्टैंडर्ड सिर्फ मीट ये नहीं कि आपने एक फायर एक्सटिंग्विशर रख दिया और क्योंकि उसकी आईएसओ की रिक्वायरमेंट थी सेफ्टी को लेके, तो आपने वो कोने में टांग दिया है, आपको ये भी नहीं पता कि उसके अंदर गैस है, खत्म हो गई है, वो लोग यूज ही नहीं करते तो वहां कोने में टंगा हुआ है, तो सेफ्टी नहीं हुई वो वहां पर, आपने बस एक आई वॉश कर दिया। तो ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को या फैसिलिटी मैनेजर को टाइम टू टाइम देखना पड़े कि किस तरीके से वो हर हालत में ये मेक श्योर कर सकते हैं कि काम स्टेडी रहे, स्मूथ रहे, तो उन सारी बातों का आपको मैनेज करने के लिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली अगर ऑप्टिमम स्पेस चाहिए तो हम सिर्फ क्या करेंगे, मशीन्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। बट अगर पहले ही मैं देख लूं कि जैसे मेरे पास में 5 मशीन्स है, मशीन ए है, मशीन बी है, मशीन सी है, और मशीन ई है, और मशीन मेरे पास में एफ है, ठीक है, इनके बीच में मुझे रॉ मटेरियल की मूवमेंट करनी है, तो मेरे प्रोडक्शन मैनेजर ने या फिर जो मेरे क्वालिटी मैनेजर हैं उन्होंने मुझे बताया कि गुड्स के बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए मशीन ए में से जब रॉ मटेरियल पहले बार गुजरेगा उसके बाद नेक्स्ट रॉ मटेरियल सी में जाना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में जाना चाहिए बी में, फिर उसके बाद जाना चाहिए एफ में, एंड फिर जाना चाहिए ई में, एंड फाइनली यहाँ पे आपका फिनिश गुड्स जो है बन के निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने जिस तरीके से ये छोटा सा एक आपके सामने फिगर बनाया, कितना हाफ हजार्ड सा दिख रहा है, ठीक है, इसी हाफ हजार्ड ने इसको खत्म करने के लिए फैसिलिटी लेआउट जो है वो किया जाता है, एक बेसिकली मॉडल तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट मॉडल, जिसमें आप रॉ मटेरियल की मूवमेंट से लेके इफेक्टिव मशीनरी की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन तक का ध्यान रखते हो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, सो दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और कम से कम मूवमेंट में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बने, और मूवमेंट रिड्यूस करने से आपका जो भी लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ रॉ मटेरियल है, इक्विपमेंट पे टाइम वेस्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज है, उन सबको अवॉइड किया जाए। तो उसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर हालत में अपने कंपनी में, प्रोडक्शन प्लांट में एकोमोडेट करें प्रोडक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट, ये क्या है मैं भी आपको बताती हूँ, और इनकॉर्पोरेट करें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो टाइम टू टाइम आपके मैनेजर को ध्यान में रखनी अनिवार्य हो जाती है।
अब बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन। बेसिकली ये वो प्रोडक्ट लाइन है कि किस तरीके से कहां तक आपका रॉ मटेरियल मूव करेगा और मूव करने के लिए वर्कर्स को क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, तो दैट इज सिंपली प्रोडक्ट लाइन। बट यहाँ के लिए आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हो अपने वर्कर्स को, उन्हें हेल्थ हजार्ड्स के बारे में अवेयरनेस भी दे रहे हो। लेकिन द बेस्ट पार्ट कम्स इज कि जो अगर आप एक पर्टिकुलर टारगेट लेके बैठे हो कि मैंने आज की डेट में फिनिश गुड्स बनाने हैं पार्ले जी के बिस्किट्स 1000 सिंगल पीस यूनिट्स, तो उस सिचुएशन में मुझे सबसे पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा हर मशीन पर आने वाला वेटिंग टाइम, यानी कि मशीनरी का बेसिकली मुझे रिड्यूस करना है आइडल टाइम कि मशीन ए में प्रोसेस हो रहा है रॉ मटेरियल और उस टाइम पे मशीन सी चालू होके खड़ी है और वेट कर रही है कि ए से कब आएगा मटेरियल। तो ये सब सिचुएशंस मटेरियल हैंडलिंग के अलावा भी टेक केयर की जाती है, जिसकी वजह से आपकी फैसिलिटी लेआउट तैयार होने के बावजूद अच्छे से आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बन जा पाता। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए सो दैट गुड जो लेआउट तैयार होगा उसमें मूवमेंट रहेगा मटेरियल का लेके लो कॉस्ट पे, डिजायर्ड स्पीड रहेगी, आइडल टाइम रिड्यूस्ड रहेगा और एम्प्लॉयज भी खुश रहेंगे कि उन्हें भी वेट नहीं करना पड़ रहा। क्योंकि अगर आपने हर मशीनरी पर एक एम्प्लॉय डिप्लॉय कर रखा है कि रॉ मटेरियल को आप देखो ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही रॉ मटेरियल में, शंटिंग कर दो पुरानी पीछे की मशीनरी से अगर कोई ऐसा मटेरियल बन के आया सेमी फिनिश गुड्स जो कि खराब बन के आया है, वो वेस्ट है या वो स्क्रैप स्पॉइलेज है, तो उसको बाहर निकाल दो, उसको नेक्स्ट मशीन में मत भेजो, इसके लिए आपने एक बंदे को खड़ा कर रखा है, लेकिन ए मशीन से सी में आने में ही 10 मिनट लग रहे हैं तो आपका एम्प्लॉय भी खाली खड़ा हुआ है, तो एम्प्लॉय तो बोर हो ही जाएगा, उसका फिर मोरल कहां जाएगा। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है और ओवरऑल मैनेजमेंट की पॉलिसी ये रहनी चाहिए कि सिर्फ हमें ब्रॉड ऐसी कैटेगरीज को कंसिडर नहीं करना जिस वजह से सिर्फ आपकी फैक्ट्री चलती रहे, बट आपकी फैक्ट्री ऐसे चले कि एम्प्लॉयज आपके एसेट्स बन जाए, मशीनरी आपका एसेट बन जाए। क्योंकि मशीनरी ठीक है नॉन लिविंग थिंग है, बट अगर वो भी खुश नहीं रहेगी तो काम कैसे करके देगी। तो टाइम टू टाइम उसे आइडल भी नहीं रखना है, उसे रनिंग मोड में नहीं रखना कि वो आइडल रहे, और उसका टाइम टू टाइम आपको क्लीनिंग, उसका रिपेयरिंग, ऑयलिंग, ये सब भी ध्यान में रखना। तो मैनेजमेंट की इमीडिएट पॉलिसीज में ये चीजें भी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिजाइन ऑफ फैसिलिटी लेआउट की, यानी कि अब हम लोगों ने फैसिलिटी लेआउट क्या है वो समझ लिया है, हमने समझ लिया इसकी इंपॉर्टेंस, हमने ऐसे की फैक्टर्स समझ लिए जिसकी वजह से लेआउट या तो बहुत अच्छा बन सकता है या तो बहुत खराब बन सकता है। तो उन दोनों ही सिचुएशंस का बीच का रास्ता निकालना है हमें, सो दैट ना अच्छा न बहुत ज्यादा अच्छा, सो दैट हम लोग इतने मोटिवेशनल हो जाए कि काम ही करना छोड़ दें, या बहुत ज्यादा खराब भी नहीं करना कि हम इतने डीमोटिवेट हो जाए कि फिर भी काम ना हो। तो ऐसा रास्ता निकालना है जो हमारे लिए फ्लेक्सिबल है, स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है एंड कैपिटल इफेक्टिव है, यानी कि कॉस्ट आपने मिनिमाइज कर दिया तो कैपिटल आपकी बच रही है। अगर बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो आपको हर हालत में ऐसा लेआउट तैयार करना है जो एक्सपेंशन रेडी हो फ्यूचर में। आप ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि काम बढ़े, तो एक्सपेंशन रेडी आपका लेआउट होना चाहिए सो दैट आपकी स्पेस का यूटिलाइजेशन हो और टाइम और पीपल का जो मूवमेंट है मोशन है वो भी वेस्ट ना हो, सेफ्टी का भी ध्यान रहे, और उसके बावजूद इतनी स्पेस आपके पास में बच जाए कि फ्लेक्सिबली अगर आप आगे प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ जाए इसी स्पेस के बेस्ट यूटिलाइजेशन के बेसिस पर। और कैपिटल इफेक्टिव तभी बंदा बन सकता है जब उसकी कॉस्ट मिनिमलिस्टिक होती है, रॉ मटेरियल को हायर करने की नहीं, रॉ मटेरियल को लेने की नहीं कॉस्ट, बल्कि ऐसी कॉस्ट जो कि हैंडलिंग की वजह से होती है, ठीक है, हैंडलिंग कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करना है। और उसके बाद में जो आइडल टाइम कॉस्ट है, आइडल आपका एम्प्लॉय भी तो खड़ा है, वर्कर भी खड़ा है, उसको कॉस्ट को भी एलिमिनेट करना है। मशीनरी आपकी रेडी होके खड़ी है, तैयार खड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, लेकिन रॉ मटेरियल दूसरी मशीनरी से आया नहीं, तो अभी तो आपका आइडल टाइम की वजह से कॉस्ट इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो कैपिटल इफेक्टिव आप नहीं हुए। तो आपको कैपिटल इफेक्टिवनेस अचीव करनी है कॉस्ट को रिड्यूस करके, सो दैट आपका जो पैसा बचेगा उससे आप बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल खरीद सको, बेस्ट स्किल्ड वर्कर्स लेके आप अपना बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है बना सको। एंड मार्केट में उसके लिए ओवर द टाइम पीरियड बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं हमें डिफरेंट मैनेजर्स से आई हुई मिली हैं, जिसे आज हम स्टडी करेंगे, जैसे कि 2 या 3 डायमेंशनल टेम्पलेट्स, सिक्वेंस एनालिसिस, लाइन बैलेंसिंग। अब अगर बात करूं 2-3 डायमेंशनल टेम्पलेट की, तो ये टेक्निक ज्यादातर स्केल्ड डाउन मॉडल बेसिस के ऊपर है, और ये जो ड्राइंग्स आप बनाते हैं ब्लूप्रिंट के तौर पर उनके अप्रूवल के ऊपर रुकी हुई होती है। यानी कि अगर ध्यान से आप समझें तो
क्योंकि जो हमारे ये 2-3 डायमेंशनल टेम्पलेट्स हैं, ये बेसिकली इस बात पे फोकस्ड हैं कि हमें एक इस तरह का अपना लेआउट तैयार करना है, ब्लूप्रिंट तैयार करना है कि वो लिमिटेशंस बाउंड ना हो, बट फिर भी कई बार आगे जाके लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए हमारा लेआउट जो होना चाहिए वो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, हम फ्यूचर में एक्सपेरिमेंट्स के लिए ओपन रहें। और इस वजह से आपका स्केल डाउन मॉडल जो है वो आपको ये बताएगा कि हर हालत में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा और मार्जिनल प्रोडक्शन को इंक्रीज करके हम किस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस और एक्सपेंसिव एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड न्यू मशीनरी बाइंग से अवॉइड कर सकते हैं अपने आप को। तो ये जो लेआउट टेक्निक्स हैं इसके थ्रू हम ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिसकी वजह से हम चंक्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं अपने लेआउट को, और उससे हम लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूचर के एक्सपेंशंस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्केल डाउन मॉडल का इस्तेमाल किया तो रिलेटिवली जो रियल साइज है उसमें अगर मुझे ब्रेक डाउन करना पड़े पार्ट्स में अपने डिजाइन को, तो मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर सकती हूँ, जैसे कि 24 टाइम्स लार्जर है मेरा अगर पूरा प्रोडक्शन एरिया, तो उसे मैं या तो 1:1:1:1:24 जो है इस तरह से अपना जो लेआउट है उसको ब्रेक डाउन कर सकती हूँ, या फिर 1:24 टाइम्स ब्रेक डाउन करके एक एक एरिया को जो है इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने, ठीक है। सो उससे क्या होगा, इम्प्रूव एज एन लाइक अपनी मशीनरी जो है पर्टिकुलर एरिया मैंने ये ले लिया, देखिए अगर ध्यान से ये एरिया मैंने ले लिया, ये 24 ब्लॉक्स में अगर मेरे को डिवाइड करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल 24 ब्लॉक्स में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो 24 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड करने के बाद मैं एक एक छोटे छोटे पोर्शन से जो है अपने प्लानिंग जो है शुरू करूंगी, डिजाइन को लेआउट करना शुरू करूंगी, पहले मैंने ये एरिया ले लिया फिर ये ले लिया, इस तरीके से ले लेके मैंने अपनी मशीनरी का रॉ मटेरियल को हैंडल करने का सारा जो है लेआउट तैयार किया, ठीक है। अब बात करते हैं सीक्वेंस एनालिसिस की, विच क्लियरली सेज कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कीजिए फैसिलिटी को लेआउट के प्रिपेयर करने के लिए, और सीक्वेंस का एक इजाद कीजिए, एक सीक्वेंस बताइए कि ए के बाद अगर सी मशीनरी का इस्तेमाल करना है और उसके बाद मुझे बी मशीनरी का इस्तेमाल करना है और उसके बाद में मुझे ई मशीनरी का इस्तेमाल करना है, तो बेसिकली चाहे आप उसे ऐसे स्ट्रेट लिख लीजिए, एक सीक्वेंस बना लीजिए, या फिर आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए ए के बाद सी मशीनरी, फिर उसके बाद में बी मशीनरी, फिर उसके बाद में ई मशीनरी, इस तरह से आप सीक्वेंस जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर के थ्रू आप अपना लेआउट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइन बैलेंसिंग की, विच इज क्वाइट फेमस। ये जो टेक्निक है ज्यादातर असेंबली लाइन में इस्तेमाल की जाती है, और असेंबली लाइन यानी कि आपका जो गुड्स है वो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि आप हर हालत में असेंबल कर रहे हैं अपना फिनिश गुड्स, जैसे कि कार के केस में होता है, मारुति कंपनी के केस में, या फिर कोई और कंपनी के केस में, या बाइक्स के केस में होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि मेरा कार का ये एक ढांचा आया असेंबली लाइन पे चल रहा है, ठीक है, और इस ढांचे में आगे चल के ये कन्वेयर बेल्ट चल रही है, ठीक है, यहाँ पर कुछ फिक्स्चर्स एंड जिग्स पड़े हुए हैं, इक्विपमेंट्स लूज टूल्स पड़े हुए हैं, जैसे ही ये गाड़ी आगे पहुंची यहाँ पर इस जगह पे इसमें टायर्स फिट हो गए, ठीक है, यहाँ पे इसमें टायर्स फिट हो गए, और थोड़ा सा और आगे पहुंची असेंबली लाइन पे, ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पर हमने कांच फिट कर दिया, टायर्स तो है ही है यहाँ पर, अब इसमें हमने विंडो पेन्स आगे लगा दिए, यहाँ विंडो पेन्स लगा दिए, यहाँ विंडो पेन्स लगा दिए, ठीक है, इस तरह से हमने काम कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड लाइन बैलेंसिंग। इससे क्या होगा कि आपने एक सीक्वेंस तो बनाया, साथ ही साथ में आपने पूरी असेंबली को एक लाइन में जो है कंडक्ट करने का पूरा लेआउट जो है तैयार कर दिया है। अब फाइनली आते हैं मेरे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें से कई बार क्वेश्चंस देखे भी जाते हैं। ये टॉपिक जो है बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैं एग्जांपल्स के तौर पे इसको आपको समझाने का पूरा पूरा ट्राई करूंगी, एंड मैं जानती हूँ आपको समझ भी क्लियरली आ जाएगा। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फैसिलिटी लेआउट। स्क्रीन पे पहला लेआउट है लाइन लेआउट, जिसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट लेआउट, देन फिर फंक्शनल लेआउट ऑल्सो नोन एज प्रोसेस लेआउट, फिक्स पोजिशन, सेलुलर टेक्नोलॉजी, कंबाइंड लेआउट, या कंप्यूटराइज्ड रिलेटिव एलोकेशन ऑफ फैसिलिटी टेक्निक। इसे थोड़ा सा हम लास्ट पे करेंगे, पहले हम जो बेसिक लेआउट्स हैं ये सारे के सारे जो मार्केट में काफी हद तक जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के शुरू से लेके आज तक देखे जाते हैं काफी कंपनीज में, इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली लाइन लेआउट इज ऑल अबाउट।
लाइन लेआउट, यानी बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है जो रॉ मटेरियल से फिनिश को उसमें कन्वर्ट होगा उसे एक लाइन में चलना है, यानी कि प्रोडक्शन पूरी एक लाइन में चलेगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया था कार के केस में, तो कार के केस में क्या हो रहा था, लाइन बाय लाइन आपका एक एक आइटम फिक्स किया जा रहा था, असेंबल किया जा रहा था कार के ऊपर। एक टाइम पे कार का सिर्फ बॉडी आ रहा था, ढांचा आ रहा था, फिर उसमें टायर्स फिट हो रहे थे, फिर उसमें विंडोज फिट हो रही थी, फिर आगे पीछे के ग्लासेस फिट हो रहे थे, फिर उसके बाद में उसमें ग्लास फिट करने के बाद आपने न्यूज़पेपर रख दिया, और उसके बाद में आपने उस पूरी बॉडी को स्प्रे पेंट किया, मेटालिक पेंट या फिर आपने जो नॉर्मल क्रोम पेंट है वो किया, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं मार्केट के उस हिसाब से आप लोगों ने डिवाइस कर रखा है कि हर दो गाड़ी पे पेंट आएगा क्रोम पेंट और दो गाड़ी पे मेटालिक पेंट आएगा, इस तरीके से। फिर उसके बाद में आपने आगे चल के उसमें हैंडल्स लगाए, प्लास्टिक्स लगाए, जैसे कि इंडिकेटर लाइट्स है या फिर आपकी हेडलाइट्स है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइन एक असेंबली लाइन की चल रही है, असेंबली लाइन इज मूविंग स्ट्रेट, और उसमें या तो आपके वर्कर्स खड़े हैं जो एक एक प्रोडक्ट को फिट करते जा रहे हैं। और आज की अगर बात करूं, क्योंकि सिंस मैंने अपनी इंटर्नशिप मारुति कंपनी में की हुई है, मैंने बहुत पहले ग्रेजुएशन में मारुति में साइट विजिट भी की थी, इंडस्ट्रियल विजिट, तो वहां पर वर्कर्स थे। आज की डेट में वहां पे रोबोज हैं, ज्यादातर ऐसे रोबोज हैं जो कि ये सारे सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते होते हैं, और उससे क्या होता है टाइम बच जाता है। तो लाइन लेआउट में ज्यादातर असेंबली लाइंस में ये जो सिचुएशन इस प्लान को लेआउट को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग देखने को मिलती है। कैसे, जैसे मैंने आपको भी बताया कि रोबोस का इस्तेमाल अब होना शुरू हो गया है इस टाइप ऑफ लेआउट में, और लेसर यहाँ पे वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मटेरियल हैंडलिंग भी कम हो जाती है अगर आप लाइन में चलते हो। तो अगर वर्कर्स भी हैं आपके या रोबोस भी हैं, मटेरियल आपके पास में ही पड़ा है कन्वेयर बेल्ट के, बस आपको उठाना है और फिक्स करना है, दैट्स इट। और प्रोडक्ट बहुत कम से कम टाइम में जनरेट होता है। आई रिमेम्बर मारुति का टारगेट था कि एवरी 3 मिनट्स में उन्हें एक कार प्रिपेयर करके बाहर निकालनी है प्रोडक्शन फ्लोर से। अब वो कार हो सकती है डिजायर भी स्विफ्ट की, या स्विफ्ट भी हो सकती है, या फिर वो मारुति ऑल्टो भी हो सकती है, या फिर मारुति ओमनी हो सकती है, ठीक है। तो हर 3 मिनट्स का टारगेट था उनको कार कंप्लीट करनी है, डिपेंडिंग ऑन डिजायर पे ज्यादा टाइम लगता है मारुति वैन के ऊपर, 1.5 मिनट 1.5 मिनट लगते होंगे। तो इस तरीके से उनका लाइन लेआउट जो है प्रिपेयर किया जाता था। बट इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, वो ये है कि सिंस आप पर्टिकुलर लाइन पे, असेंबली लाइन पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक पे ही एक ही बना सकते हो, तो वहां पे मल्टी प्रोडक्ट्स बनाने का जो सिचुएशन है वो लिमिटेड हो जाता है। और दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा, इनफैक्ट मैं कहूंगी 99% एप्लीकेबल नहीं है। एल्स आप बस इतना कर सकते हो, जैसे कि मारुति कंपनी में था, जो आपका कन्वेयर बेल्ट ए चल रहा है, बी चल रहा है, सी चल रहा है, अब यहां पर आपकी बनेगी मारुति वैन, यहां पे बनेगी आपकी ऑल्टो, और यहां पे बनेगी स्विफ्ट, ठीक है। लेकिन आप इसमें थोड़ी सी वेरिएशन बस इतनी ही डाल सकते हो कि आपने ऑल्टो एसी वाली यहाँ पे एक बार डाली, फिर उसके बाद में नॉन एसी डाली, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे आपने मेटालिक वाली स्विफ्ट डाल दी, फिर उसके बाद में नॉन मेटालिक क्रोमा वाली, क्रोम पेंट वाली आपने डाल दी, बस इतना ही ऑल्टरेशन कर सकते हो। आप कभी ये नहीं कह सकते कि ऑल्टो जो है इस कन्वेयर बेल्ट पे बन जाए। तो ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है जिस वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम देखने को मिलती है। अब आते हैं मेरे नेक्स्ट टाइप ऑफ फैसिलिटी लेआउट, प्रोसेस लेआउट या फंक्शनल लेआउट। बेसिकली ये वो लेआउट है जहां पे वर्क प्लेस जो है वेरी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, क्योंकि यहां पर प्रोसेस के हिसाब से आपका जो वर्क है वो फ्लो करता है, एंड हम इस वर्क को डिवाइड करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं एज फंक्शन। यानी कि यहाँ पे आप एक स्ट्रीम नहीं चलाते, एक लाइन की स्ट्रीम नहीं चलाते हो, बल्कि आप हर हालत में यहाँ पे एक तरह से सेलुलर लेआउट का भी इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस होने के अलावा स्टेप वाइज जो है आपके डिफरेंट लोग जो हैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन में मेरी जो मशीन ए है वहां पर मैंने असेंबल कर दिया मेरा मैदा और मेरा घी, सो दैट मुझे बिस्किट्स बनाने, पार लीजिए कि मेरी फैक्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रॉ मटेरियल असेंबल हुआ, उसके बाद में ये रॉ मटेरियल आगे गया, और यहाँ पे इस रॉ मटेरियल में असेंबली के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाटर मिक्स किया
इस बी पर्टिकुलर आपकी मशीन में, और यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद में वॉटर मिक्स होने के बाद डो तैयार हुआ, डो उसके बाद कैरी फॉरवर्ड हो गया सी मशीन में, जहाँ पे उसे लेयरिंग में कटिंग करने का मौका मिला। तो यहाँ पे कटर था इस सी लोकेशन में, कटिंग के बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ा डी में, और डी में क्या हुआ, यहाँ पे अवन था, इस अवन से आपके जो कटेड बिस्किट्स थे, जो यहाँ से कट होके मैदा आपका डो निकल रहा था, वो यहाँ पे अवन में हीट होने लग गए। द मोमेंट वो हीट हुए, तो यहाँ पर एक जगह पे वो पहुंचे जहाँ पे आपकी क्वालिटी टेस्टिंग की या तो लेबर खड़ी थी, सुपरवाइजर खड़े थे, या फिर आपके यहाँ पे रोबो जनरेटेड आपके यहाँ पे ऐसे मैकेनिक्स थे, जिसकी वजह से आपका क्वालिटी टेस्टिंग होने के बाद जो भी बिस्किट्स ठीक से नहीं बने, टूटे हुए बिस्किट्स हैं, या फिर जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो फिर भी किसी कारण में ज्यादा अवन में जल गए हैं, उन्हें यहाँ से बाहर भेजा जाए, और जो अच्छे बन गए हैं उन्हें फर्दर जाके पैकेजिंग में भेजा जाए। तो ये जो फंक्शनल लेआउट है, वहां पर ज्यादा जो है हमें रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता हुआ नजर आता है, और यहाँ पे आपने फंक्शनल बेसिस पे सेग्रीगेशन मशीन्स की कर दी है, और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस वाइज आपका पूरा मूवमेंट रॉ मटेरियल का हो रहा है व्हेन कन्वर्टिंग इट टू फिनिश गुड्स। तो इसीलिए इसे बोलते हैं प्रोसेस है फंक्शनल लेआउट। इसकी एडवांटेज ये है कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये एज कम्पेयर टू लाइन लेआउट के, आप इसमें ऑल्टरेशन बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए चॉको चिप्स, तो चॉको चिप्स ऐड करते ही जो मेरे बिस्किट्स बन के आएंगे ऑब्वियसली चॉकलेट बन के आएंगे, चॉकलेट बिस्किट्स आएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर चॉको चिप्स के साथ मैंने शुगर ऐड कर दी, तो शुगर ऐड करके क्या होगा कि मेरे बॉर्बोन बिस्किट्स बन के आ जाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें बहुत अवेलेबल है, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा है कि उस प्रोडक्ट में ही बहुत सारी वेरिएशन जो है पॉसिबल है। डिसएडवांटेज अगर इसकी बात करूं तो बस इतनी है ये कि ऑटोमेटिक हैंडलिंग के टाइम पे यहाँ पर जो मटेरियल है वो कन्वेयर बेल्ट पे स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं चलता है, मशीन वाइज आपका फंक्शन वाइज जो है बाइफर्केटेड होता है, तो इस वजह से क्या आता है ज्यादा स्पेस लगती है। अगर आप देखें तो बी के बाद अगर मैं यहाँ सी मशीन रख देती, अगर यहाँ पे मैं सी मशीन रख सकती थी बट नहीं रखी मैंने, क्योंकि ये कटर और ओवन का साइज इतना बड़ा था, या फिर ओवन का फंक्शन था कि मैं वॉटर के साथ ओवन को रखती, अगर यहाँ पे इन दोनों को साथ में रखती, इधर रख देती, तो क्या होता, हीटेड ओवन है जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरे पास वाटर यूजेज जो है बढ़ जाती है। और आपको बताऊं, अगर फैक्ट्रीज जो बड़ी बड़ी, उन्हें वाटर खरीदना पड़ता है, उनके यहाँ पे हमारे घरों की तरह टैप वाटर नहीं आता है जहां पे मीटर के थ्रू आपका पानी जो आप यूटिलाइज कर सकेंगे, इन्हें पानी के बड़े बड़े टैंकर खरीदने पड़ते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो इस वजह से इस तरह की लिमिटेशंस हमें डिसएडवांटेजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने फिक्स पोजिशन लेआउट की। जो ये लेआउट है ये बेसिकली ज्यादातर यूज होता है आपके ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो बहुत कम बनते हैं लेकिन बहुत ही महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की मूवमेंट आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल शिप की बात करें, या फिर हम बात करें हमारे सबमरीन की यानी कि पनडुब्बी की बात करें, या फिर हम बात करें हमारे एयरक्राफ्ट की, हमारे प्लेन्स की, तो आपको एक ही जगह पे सारे रॉ मटेरियल्स को लेके आना पड़ेगा और वहां पे फिक्स करना पड़ेगा। गाड़ी के केस में क्या था, लाइन लेआउट के केस में वैन धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट पे चल रही थी, उसमें कभी आप लाइट्स लगा रहे थे, कभी डोर लगा रहे थे, कभी इंजन डाल रहे थे, कभी आप विंडो पेन्स लगा रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, विंडो पेन भी लगाना है आपको, आपको पेंट भी करना है इसकी बॉडी को, सीट्स भी लगानी है, प्लास्टिक भी यूज करना है, बट आप इतना बड़ा जो सबमरीन जहाज है उसको उठा के आप मूव नहीं कर सकते, उसको कन्वेयर बेल्ट पे आप नहीं डाल सकते। इसलिए फिक्स पोजीशन में आपका एक ही जगह पे सारा का सारा रॉ मटेरियल लाया जाता है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, और आपका जो मेन प्रोडक्ट तैयार होता है वो एक ही जगह पे रखा होता है, स्टेशनरी रखा होता है, उसके बाद ही उसे मूव किया जाता है। अब इसकी एडवांटेज सबसे ज्यादा ये है कि इसमें हाईली स्किल्ड लेबर लगती है। तो किसी को लगेगा कि मैम ये तो डिसएडवांटेज है क्योंकि आप सेमी स्किल्ड वर्कर से काम नहीं ले सकते यहाँ पे, बात ठीक है आपकी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो हाईली स्किल्ड लेबर तो हमारे लिए अच्छी ही बात है ना, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का बन रहा है, उम्दा बन रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए बेस्ट तो ये हुआ कि स्किल्ड लेबर ही हमें चाहिए, दूसरी है कि लीस्ट मूवमेंट है रॉ मटेरियल को लेके नहीं आपके प्रोडक्ट को लेके, तो आपको सारा रॉ मटेरियल जो एक जगह पे ही लाके असेंबल कर देना है सो दैट आपका प्लेन तैयार हो जाए, तो विच इज गुड, आपको कन्वेयर बेल्ट के ऑप्शन से जो है छुटकारा मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपका जो यूटिलाइजेशन है लेबर इक्विपमेंट का वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बैक टू बैक एक बार एक बंदा आया, मैंने यहाँ पर अपना जो है एक बोइंग का एयरक्राफ्ट जो है पार्क कर रखा है, इसको मैंने जो है
इसकी बेसिकली असेंबली कर रही हूँ, इसको यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो एयरक्राफ्ट है, एक बंदा है जो इसके ऊपर विंडो पेन्स फिक्स कर रहा है, ये पहले यहाँ पे गया, पेन्स लगाए, उसके बाद खाली वापस आया, खाली वापस आके यहाँ से इसने बाकी नट्स, जो नट्स आपने उठाने हैं या आपके जो नट बोल्ट्स हैं वो उठा के लेके जाने हैं, तो क्या हुआ उसका आइडल टाइम बंदे का बढ़ गया, ठीक है। और इक्विपमेंट यहाँ पे जो दूसरा था वो वेट कर रहा था कि बंदा कब आएगा और मुझे उठाएगा, और प्रोडक्ट मूव नहीं कर रहा था। तो ये छोटी सी एक इसकी डिसएडवांटेज है कि इसमें जो इक्विपमेंट की हैंडलिंग कॉस्ट है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब आते हैं मेरे नेक्स्ट लेआउट के ऊपर, विच इज सेलुलर टेक्नोलॉजी लेआउट, जिसमें बेसिकली मल्टीपल सेल्स का क्रिएशन हमें देखने को मिलता है। सेल से ही अब नाम समझ लिया, और ये जो घड़ी में यूज होते हैं सेल उसकी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ये बेसिकली आपकी असेंबली लाइन में ही आपने सेल्स क्रिएट कर दिए हैं। मतलब जो ये लाइन लेआउट में असेंबली लाइन थी उसको अब आपने सेलुलर फॉर्म में डाल दिया है। तो उससे क्या होगा कि जो ये सेल्स हैं इनमें आपने डिफरेंट मशीन्स रख रखी हैं एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि सेम वापस एक काम करते हैं, असेंबली लाइन ही देखते हैं, मारुति वैन बना रही हूँ, मारुति वैन में जिस टाइम पे आपके विंडो पैन्स फिक्स होंगे उसी टाइम पे उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट या फिर न्यूज़पेपर की शीट लग जाएगी या पेपर शीट लग जाएगी, सो दैट नेक्स्ट जो स्टेप आना, नेक्स्ट टास्क आना है बॉडी पेंटिंग का, उस बॉडी पेंटिंग के टाइम पे आपके ग्लास के ऊपर इफेक्ट ना आए, ठीक है। और ग्लास के ऊपर अगर आपका पेंट चढ़ेगा तो आपका काम बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, मैंने एक ही जगह पे दो काम क्लब कर दिए, विच इज फिक्सिंग द विंडो पेन इन टू द कार एंड साथ ही साथ में उसके ऊपर प्लास्टिक शीट भी इकट्ठे फिक्स कर दिया है। तो मैंने एक सेल क्रिएट कर दिया है जहां पे दो एक सिमिलर काम जो है इकट्ठे हो रहे हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मशीन का बहुत मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देखा जाता है, लेबर का बहुत यूटिलाइजेशन देखा जाता है, और जो आपका मेन प्रोडक्ट है जब वो असेंबल हो रहा है तो उस मेन प्रोडक्ट को भी बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है असेंबली लाइन के ऊपर, कि वो कन्वर्ट होने जा रहा है तो बहुत ही कम उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे बहुत टेक्निकली हाईली स्किल्ड लेबर आपको चाहिए, और इसी वजह से अगर सेल लेआउट आजकल फॉलो हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले मारुति में अब जो है रोबोट ये सारा काम करते हैं, तो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इज कि उन्होंने लाइन लेआउट को अब सेल लेआउट में है कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, इसलिए थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस सिचुएशन बैठ जाती है। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट लेआउट टाइप के ऊपर, कंबाइंड लेआउट के ऊपर, जो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है, यू कैन अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कंबाइंड। यहां पे प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट का लेआउट का कॉम्बिनेशन है, मतलब बेसिकली आई एम यूजिंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, यानी कि लाइन लेआउट एंड फंक्शनल लेआउट दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने कर दिया, एंड व्हाट आई अचीव्ड इन टर्न इज कंबाइंड लेआउट, यानी कि मेरा लाइन लेआउट प्लस में मेरा फंक्शनल लेआउट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड माय कंबाइंड लेआउट। बेसिकली इस केस में क्या होता है, मशीनरी को ऐसे अरेंज करते हैं एक प्रोसेस के रूप में, सो दैट वहां पे मशीन सिमिलर मशीन्स जो होती है ग्रुप कर दी जाती हैं, और फिर उसके बाद जो मैन्युफैक्चर होता है रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स का जो मैन्युफैक्चर होता है वो आपका एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो लाइन मतलब कि सीक्वेंस, और आपका क्लबिंग ऑफ मशीन्स यानी कि फंक्शनल लेआउट, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली यूजफुल रहता है उस सिचुएशन में जहां पे ऐसे आइटम्स हैं जो बल्क में तो बन रही हैं, बट वो आइटम्स हो सकती हैं कि उनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है मार्केट में, मतलब बहुत जैसे कि आपने आरी बनाई है जो मेटल काटने के काम भी आती है, पेड़ काटने के काम भी आती है, आपने कैंची बनाई है, सिजर्स बनाई है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें कॉम्बिनेशन टाइप लेआउट का इस्तेमाल करना पड़ता है। एडवांटेज ये है इस बात की कि यहाँ पे हमने अपना कंपनी को इफेक्टिव बनाने के लिए फैसिलिटी का ऑप्टिमैलिटी दिखाने के लिए और इनफैक्ट करने के लिए लाइन एंड फंक्शन को ग्रुप कर दिया, कंबाइन कर दिया है। डिसएडवांटेज इसकी बहुत बड़ी ये है कि अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कि थोड़ा सा टेक्निकली टफ है बनाना, तो स्किल लेबर तो चाहिए चाहिए और जगह भी आपको ज्यादा चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन मेक इट आउट कि लाइन एंड फंक्शन दो आप लेआउट्स को कंबाइन कर रहे हो, तो थोड़ी सी जगह यहाँ पे ज्यादा चाहिए हो सकती है एंड थोड़ा सा आपको लेबर स्किल चाहिए हो सकती है, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। And this brings me to the end of this particular lecture, जहाँ पे मैं last आपके साथ discuss करने वाली हूँ computerized relative allocation of facility technique, यानी कि craft इसे बोला जाता है short में। ये technique आज की date में हर modern आपका जो production manager है, facility manager है, इसका इस्तेमाल करता है। इस tool की मदद से हम existing layout को अपने improve कर सकते हैं, existing layout फिर वो भले line हो, functional हो, fixed हो, cellular हो, combined हो। इस
बेसिकली टर्म क्राफ्ट टर्म को यहाँ रखने का मतलब ही यही है कि आप ये बात समझ सके कि कैसे किसी भी मशीन को स्वाप करके, किसी भी रॉ मटेरियल को किसी और रॉ मटेरियल से मिक्स करके हम मॉडिफिकेशन अचीव कर सकते हैं सो दैट हमारा जो फ्लोर एरिया है, जिसे हम शॉप फ्लोर भी कहते हैं, प्रोडक्शन एरिया भी कहते हैं, उसका ऑप्टिमम यूज हो सके। कैसे? जैसे कि लाइन एंड फंक्शनल को कंबाइन कर दिया, या फिर जो आपकी बिस्किट्स बन रहे पार्ले जी उसमें आपने चॉको चिप्स इंट्रोड्यूस कर दिए तो चॉकलेट बिस्किट बन गया, शुगर इंट्रोड्यूस कर दी तो बॉरबोन बिस्किट बन गया, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू यूज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्राफ्ट। ठीक है, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर एंड आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। आपकी नॉलेज टेस्टिंग के लिए मैं स्क्रीन पे दो क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्लांट लेआउट, यानी कि प्रोडक्ट, प्रोसेस, फिक्स पोजिशन एंड रेजिडेंशियल। तो हमने प्रोडक्ट भी देखा है, प्रोसेस एंड फिक्स पोजिशन भी देखा है, बट देर इज नो कॉन्सेप्ट एज रेजिडेंशियल लेआउट। ठीक है, ये रेजिडेंशियल लेआउट कॉन्सेप्ट जरूर बनता है, बट ये कॉन्सेप्ट बनता है जब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपनीज के प्रोडक्शन फ्लोर की। ठीक है, सो ये रेजिडेंशियल लेआउट जो है इट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन एंड इट इज नॉट अ प्लांट लेआउट, मतलब प्लांट यानी कि कंपनी के लेआउट्स में ये शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंसिडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ अ प्लांट लोकेशन, इज इट रॉ मटेरियल का सोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मार्केटिंग फैसिलिटी या ऑल ऑफ द अबव। अब काफी बच्चों का ध्यान जाएगा मार्केटिंग फैसिलिटीज को लेके कि हमें प्लांट लोकेशन में मार्केटिंग फैसिलिटीज का ध्यान नहीं देना चाहिए, बट ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्लांट लोकेशन की बात हो रही है, ये फैसिलिटी के अंतर्गत कैसे आप मशीनरी को एलोकेट कर रहे हो उसकी बात नहीं हो रही है। बेसिकली हम अगर नासिक में लगाएं अपना प्लांट बेटर है, हम लगाएं मुंबई में प्लांट बेटर है, या हम चला जाएं अपना प्लांट लगाने के लिए उत्तराखंड में बेटर है, तो हम अपने प्लांट की लोकेशन को एनालाइज कर रहे हैं। दैट इज पॉसिबल कि आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, आपकी कंस्ट्रक्शन अगर प्लांट की हो रही है या वहां पे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पानी चाहिए, ड्रिंकेबल या नॉन ड्रिंकेबल पानी, वो सब अवेलेबल हो, और वहां से जब फिनिश कुछ बन के निकले तो मार्केटिंग इजी हो, डिस्ट्रीब्यूटर पास में हो, रिटेलर तक प्रोडक्ट आपका आराम से पहुंच जाए। तो ऑल ऑफ द अबव आर द रिक्वायरमेंट्स व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्लांट लोकेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए आज इस लेक्चर में इतना ही। आशा करती हूँ एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एवर स्टडी के बिहाफ पे मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर आशिमा नेगी, विशिंग यू वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।